यू नो वट, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। एग्ज़ाम आने वाला होता है कुछ 6 महीने बाद, लगता है यार 6 महीने है वो टाइम है पढ़ने में। पर मैं आपको आज एक वीडियो दिखाने वाला हूँ कि एजुकेशन की पावर क्या होती है, एजुकेशन की पावर। इस वीडियो को देखो। कलेक्टर साहब की गाड़ी आ चुकी है, अब देखना। ये देखिए, ये सिर्फ एजुकेशन पावर है दोस्त, ये एजुकेशन पावर है। एक आदमी जो विकलांग है एक अच्छा कलेक्टर साहब बन गया और लोग उनके आजू बाजू घूम रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट पाई है ना वो पढ़कर पाई है, पढ़कर। और पढ़कर ना इज्जत कमाई जा सकती है, पढ़कर पैसे भी कमाए जाते हैं, इज्जत भी कमाई जाती है। आप में से बहुत ज़्यादा लोग IIT, NEET या फिर UPSC इन चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे, पर दोस्तों आपको ना ये लगता रहेगा हमेशा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। पर जब वो आखिरी के कुछ महीने आएंगे ना, लास्ट का एक मंथ रह जाएगा, तभी भी रिलैक्स रहोगे आप। और जब लास्ट का वो दिन आएगा ना, उस दिन आप रोओगे। मैं सही बताऊँ, रोओगे आप उस दिन, रोओगे कि काश मैंने मेहनत कर ली होती, मैंने मेहनत कर ली होती, आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज मुझे अफसोस ना हो रहा होता। दोस्तों पढ़िए यार, पढ़िए अपने लिए, पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, पढ़िए। देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपके आने वाली जनरेशन वो सुधर जाएगी, वो सुधर जाएगी सही में। क्योंकि आपका बच्चा भी ये नहीं चाहता होगा कि आप एक लूज़र हो। जो आपका आने वाला जो बच्चा होगा वो ये नहीं चाहेगा कि उसके डैड एक लूज़र हैं, उसके डैड विनर हैं, उसके डैड ने जो सोचा है वो पाया है। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा आपसे मोटिवेशन लेगा, आपको अपनी इंस्पिरेशन बनाएगा। इसलिए पढ़ो यार, पढ़ो, पढ़ाई ही काम आनी है।